माय चैप्टर इंटीजर्स का नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन ऑफ इंटीजर्स, कि इंटीजर्स को आपने ऐड करना है. आपको गिवन इंटीजर्स होंगे, ऑब्वियसली टू होंगे, दो इंटीजर्स होंगे, दो या दो से ज़्यादा होंगे, तो उनको हमें क्या करना है, ऐड करना है. उससे पहले कुछ रूल्स देख लेते हैं. ये हमारे कुछ रूल्स हैं जो हम आगे फॉलो करेंगे, कि जब भी दो इंटीजर्स होंगे उनका सेम साइन होगा, प्लस एंड प्लस दोनों के साइन सेम होंगे, तो उन केसेस में जैसे प्लस प्लस और माइनस माइनस में, फर्स्ट और लास्ट केस में जब दोनों इंटीजर्स के साइन सेम होंगे, तब हमारे ऑपरेशन जो परफॉर्म होंगे, कौन से आगे परफॉर्म होंगे ऑपरेशन, एडिशन के. और जो साइन होंगे वो कौन से होंगे, जो भी इंटीजर्स के साइन है वही. अगर दोनों के पॉजिटिव है तो साइन भी रिजल्ट में, जो रिजल्ट आएगा उसमें हमारा साइन क्या लगेगा, पॉजिटिव. अगर दोनों इंटीजर्स माइनस साइन के हैं, नेगेटिव वैल्यूज हैं, नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो साइन भी क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा रिजल्ट में. लेकिन जब अपोजिट होंगे साइन दोनों इंटीजर के, एक का पॉजिटिव और एक का नेगेटिव, तो उन केसेस में जो हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो सब्ट्रैक्शन होगा, और रिजल्ट में जो भी साइन आएगा वो जो भी इंटीजर की बिग वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग आएगा. कैसे, अब इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं. एग्जांपल लेते हैं, ऐड करना है. सपोज फर्स्ट केस लेते हैं, दोनों सेम साइन के. सपोज टू इंटीजर्स हैं, बोथ आर पॉजिटिव, वैल्यू नंबर के आगे कोई भी साइन गिवन नहीं है, इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज पॉजिटिव साइन के. अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन है हमारा टू ऐड. तो टू और थ्री को जब हम ऐड करते हैं, सिंपल है, टू प्लस थ्री क्या हो जाएगा, फाइव. तो आपने देखा फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग, केस वन, कि अगर दोनों इंटीजर्स पॉजिटिव हैं, दोनों सेम साइन के हैं, दोनों ही सेम साइन के हैं, तो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, एडिशन. यस, हमने एडिशन ही किया है. और साइन कौन सा होगा, प्लस, प्लस ही साइन है, राइट. अब नेक्स्ट केस लेते हैं. सपोज फर्स्ट इंटीजर है हमारा पॉजिटिव, यस पॉजिटिव, और सेकंड इंटीजर हमारा है नेगेटिव. अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमें क्या करना है, कोमा लगाया हुआ है, दो इंटीजर्स दिए हुए हैं, लेकिन अब उन इंटीजर्स के साथ क्या करना है, उनको करना है ऐड. तो फर्स्ट इंटीजर लिया और सेकंड इंटीजर लिया, उसको हमें क्या करना है, ऐड. वो ऐड का साइन हमने लगा लिया. अब बिकॉज दो साइंस मैथ्स में एक साथ एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो हम क्या यूज करते हैं, ब्रैकेट. ब्रैकेट यूज किया. अब जैसे ही ब्रैकेट आया, जैसे ही ब्रैकेट आया, बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग हमें पहले क्वेश्चन में इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है. ब्रैकेट सॉल्व करना है. ब्रैकेट सॉल्व का मतलब क्या है, एक ही स्टेटमेंट में, इन वन स्टेटमेंट हमारे पास दो साइन एग्जिस्ट कर रहे हैं, टू साइन एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसको चेंज करना है, चेंज टू वन साइन. ये मेन है चीज, इंपॉर्टेंट पॉइंट. दो साइन है, एक स्टेटमेंट में दो साइन नहीं एग्जिस्ट कर पाएंगे, तो हमें एक साइन में कन्वर्ट करना है. तो एक साइन में कैसे, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन रूल पहले से ही पता है, तो आप क्या करो, प्लस माइनस, पहले लिखेंगे टू, फर्स्ट वैल्यू क्या है, टू, टू लिख दिया. अब दो साइन है, इनको वन में करना है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, अगर मल्टीप्लिकेशन रूल पता है. नहीं पता है तो देखिए कैसे, ब्रैकेट के बाहर अगर पॉजिटिव है, ब्रैकेट के आउटसाइड में पॉजिटिव है, तो ब्रैकेट के अंदर का साइन सेम रहेगा. ओके, ब्रैकेट के बाहर अगर पॉजिटिव साइन है तो
सेकेंड इंटीजर के लिए साइन सेम रहेगा. सेकेंड इंटीजर कौन सा है? थ्री. तो उसके लिए साइन क्या रहेगा? सेम रहेगा. तो इन हमने क्या किया है यहाँ पर, हमने दो साइन को कन्वर्ट कर दिया किसमें? वन साइन. गॉट इट? तो नेक्स्ट इंटीजर क्या है? थ्री. तो हम सॉरी, फर्स्ट इंटीजर का साइन तो हमें पता है, पॉजिटिव है, लेकिन सेकेंड इंटीजर के लिए कन्फ्यूजन है, प्लस है या माइनस है. तो इन दोनों साइन को हमने चेंज कर दिया वन साइन में, कि अगर ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव साइन है तो सेकेंड इंटीजर के लिए वही साइन रहेगा जो उसका ऑलरेडी पहले से ही है. पहले से थ्री का सेकेंड इंटीजर का साइन है माइनस, तो अभी भी वो क्या है? माइनस. नाउ अब मूव टू रूल्स. फर्स्ट इंटीजर है, मैं इसको अगर दोबारा लिखूं, हम यहां तक पहुंच चुके हैं, टू माइनस थ्री. तो फर्स्ट इंटीजर है प्लस फर्स्ट. अब हम यहाँ रूल्स चेक करेंगे सॉल्व कैसे कर सकते हैं. अब देखो दो इंटीजर्स के बीच में माइनस है, यानी सब्ट्रैक्ट होगा. रूल्स भी यही कह रहे हैं, अगर फर्स्ट इंटीजर पॉजिटिव है और सेकंड इंटीजर नेगेटिव है तो ऑपरेशन क्या परफॉर्म होगा? ऑपरेशन टू बी परफॉर्म सब्ट्रैक्शन. तो सब्ट्रैक्शन सॉल्व करना है. और सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, हम कैसे करते हैं? थ्री बिगर वैल्यू ऊपर लिखते हैं, करते हैं सब्ट्रैक्ट. थ्री में से टू गए वन. वन ये साइन टू का साइन नहीं है, ये जस्ट बता रहा है कि हमारा ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म हो रहा है, सब्ट्रैक्शन. ये चीज आप रफ वर्क कर सकते हो, रफ में कर सकते हो अपना, या अपने माइंड में आप इसको सॉल्व कर सकते हो, या रफ में आपको शो नहीं करना. तो थ्री में से टू गया होता है वन. बट अब साइन, डोंट फॉरगेट द साइन, ये साइन आपके इक्वेशन को गलत कर सकता है. तो साइन क्या आएगा, यहां लिखा है बिग वैल्यू, बिग वैल्यू लिखी है, बिग इंटीजर वैल्यू, बिग इंटीजर वैल्यू. तो टू और थ्री में कौन बिग है? थ्री बिग है. कौन बिग है? थ्री बिग है. तो इस बिग वैल्यू के आगे साइन क्या है? माइनस. तो इसलिए रिजल्ट में क्या आएगा? माइनस. तो दिस इज योर आंसर. ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, इसको और क्लियर करते हैं कॉन्सेप्ट को. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आवर, लेट्स टेक फर्स्ट इंटीजर माइनस, यानी नेगेटिव इंटीजर, एंड टेक नेक्स्ट सेकेंड इंटीजर टू बी पॉजिटिव. तो माइनस पॉजिटिव. अब दो इंटीजर्स दिए हैं, दो इंटीजर्स के लिए हमें क्या काम करना है, कैसे सिंप्लीफाई करना है, उसको करना है आपस में ऐड. कर दिया ऐड. इस इंटीजर फर्स्ट इंटीजर, ये कौन सा इंटीजर है? फर्स्ट. ये कौन सा है? सेकेंड. फर्स्ट इंटीजर के लिए साइन क्या है? माइनस, क्योंकि हम इंटीजर्स कर रहे हैं, हर वैल्यू का अपना साइन होगा. तो पहली वैल्यू का साइन है माइनस, सेकेंड वैल्यू का है प्लस. दोनों के पास अपना अपना एक साइन है, यहां हमें कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें साइन को सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है. हम सिर्फ डायरेक्ट अपना रूल देखेंगे. रूल में क्या है, फर्स्ट साइन थर्ड केस बन जाता है हमारा, कि फर्स्ट इंटीजर है माइनस, सेकेंड इंटीजर है प्लस. तो माइनस प्लस, माइनस प्लस, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेगा? सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं? थ्री और टू में से जो भी बड़ा है वो ऊपर आएगा, और नीचे थ्री और टू को आपने क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है. यहां सिर्फ हम अपना ऑपरेशन देख रहे हैं, वी आर नॉट चेकिंग देयर साइन. तो ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन है, तो रिजल्ट आया वन. नाउ एक चीज रह गई कि साइन, साइन ऑफ बिग वैल्यू, बिग. थ्री और टू में से विच वन इज बिग? थ्री इज बिग. इफ थ्री इज बिग, इट्स साइन इज पॉजिटिव, तो रिजल्ट में भी पॉजिटिव. दिस इज योर आंसर. जो भी उसके आगे साइन होगा वो उस इंटीजर का साइन होगा. ओके, तो ये चीज. लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल.
if both integers are negative, if both integers are negative, उस केस में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है? तो फर्स्ट अप्रोच क्या है, हमें इन दोनों के साथ क्या करना है, एडिशन करना है. तो फर्स्ट इंटीजर लिखा, सेकंड इंटीजर लिखा, उनको हमें क्या करना है, प्लस करना है. सेकंड इंटीजर को उसके साइन के साथ लिखना है, लिख दिया हमने, और उन दोनों को क्या करना है, प्लस. अब एक ही स्टेटमेंट में एक ही इंटीजर के पास दो साइन है, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग हियर ब्रैकेट. और जैसे ही ब्रैकेट आए हमारा, हमें क्या करना है, हमें ये चीज परफॉर्म कर, ये काम करना है कि हमें दो साइन जो एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको वन साइन में चेंज करना है. तो वन साइन में कैसे होगा, प्लस माइनस, अगर मल्टीप्लिकेशन रूल पता है तो माइनस होता है, नहीं तो कैसे. पहला क्या है, माइनस टू लिखा एज इट इज. अब ये दो साइन आ रहे हैं, इन दोनों साइन को वन में चेंज करना है. वन क्या होगा, अगर ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव साइन है तो सेकेंड इंटीजर का साइन वही सेम रहेगा. तो यहाँ पर थ्री का जो भी साइन है, जो उसका पहले से साइन है माइनस, तो माइनस ही रहेगा और थ्री. ओके, नाउ माइनस माइनस, माइनस माइनस कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ऐड. तो जस्ट ऐड देम एंड थ्री और टू फाइव आता है रिजल्ट, फाइव ऐड कर दिया. अभी सिर्फ हम ऑपरेशन देख रहे हैं तो वो हमने काम कर दिया, अभी हमने साइन नहीं देखा. अब साइन हम देखेंगे, साइन कौन सा आता है, नेगेटिव या बिग वैल्यू का, थ्री बड़ा है उसके आगे साइन माइनस है तो माइनस, अदरवाइज क्या है, सेम सेम. अगर दोनों इंटीजर्स का साइन सेम है तो रिजल्ट में भी क्या आएगा, साइन सेम. एंड दिस इज योर आंसर. तो आपको इस तरह से क्वेश्चंस परफॉर्म करने हैं. आई होप आपको ये सब समझ आया होगा. थैंक यू.